بسم الله الرحمن الرحيم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون और वो पुकारेंगे व नादौ निदा देंगे, जोर जोर से पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे? ए मालिक, ये मालिक जहन्नम का जो बड़ा इंचार्ज जेलर, ठीक है ना, जेल का, उस बड़ी जेल का जो इंचार्ज है उसका नाम मालिक। ये पुकारेंगे, ए मालिक तेरा परवरदिगार हमें मार क्यों नहीं डालता, हमें ख़त्म कर दे, हम ये ज़िंदगी नहीं जी सकते। जो कुरान ने सूरह आला आप सुनते हैं, तुम मला यमू तुफ़ीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा, न मरेगा इस एतबार से कि जिंदा है और सब बर्दाश्त कर रहा है, न जिएगा क्या मतलब, यानी वो ज़िंदगी ऐसी होगी जिसको ज़िंदगी कोई नहीं कहता। आज भी दुनिया में जिसके हाथ पल्ले कुछ ना होना उसे कहते हैं तेरी भी कोई ज़िंदगी है, और जिसके पास बहुत कुछ उसे कहते हैं ज़िंदगी तो ये है, वो है ला यमू तुफ़ीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा, मरेगा नहीं कि अज़ाब ख़त्म हो जाए, जिएगा नहीं, ऐसी हालत नहीं होगी जिसको ज़िंदगी कोई कहे, कहेगा इस, कहते हैं ना इस जिंदगी से तो बहुत बदतर बेहतर है कि मर जाए इससे बेहतर। तो ये जब ये सूरत होगी उधर से मायूस हो जाएंगे कि निकल नहीं सकते, तो उस आलम में ये क्या पुकारा करेंगे, कहेंगे ए मालिक तेरा परवरदिगार हमें ख़त्म ही कर दे, तो वो कहेगा तुम्हें यकीनन यहीं पे रहना है, इन्नकुम माकिसून, तुम यहाँ रुकने वाले हो, लंबा स्टे है तुम्हारा यहाँ पर। सबब क्या है? वो फरिश्ता कहेगा यकीनन हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर तो हक को नापसंद करते थे, हक तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, तुम हक के दुश्मन बन जाते थे, हक बताने वाले तुम्हें अच्छे नहीं लगते थे। अल्लाह के नबी ने कुरान में फरमाया कि मैं तो तुम्हें नसीहत करने आया हूं, लेकिन वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन, तुम लोगों को नसीहत करने वाले अच्छे ही नहीं लगते। बात यह है कि तुम्हें नसीहत करने वाला अच्छा नहीं लगता, जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा हो ना, जवानी में उठान आई हो और वो गलत कामों पे लग जाए, तो जो उसको कहे ना यार ना करो, उसे अच्छा नहीं लगता, हत्ता कि माँ बाप नहीं अच्छे लगते, इतना इंसान की अंदर की करप्शन उसको मियार चेंज कर देती। पता होता ये मेरा मुखलिस है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, फिर भी जहर लगता है उसको, क्यों मुझे रोकता है इससे, और वो गंदे दोस्त और गंदी महफिल उसको ज़्यादा पसंद होती। तो ये हक के साथ भी ऐसा ही होता है, बुरे काम कर करके अच्छी बात अच्छी लगती, ये तो नहीं हो सकता। फिर जब दीन फरोशों ने दूसरा आसान वाला वर्जन भी दीन का साथ ही शैतानी वर्जन दे दिया होता है, तुम्हारी जन्नत पक्की है, बस ये थोड़ा सा कर लो तो पक्की है जन्नत, कहते हैं इस मुश्किल में कौन पड़े, ठीक है लिहाजा ये वाला शॉर्टकट लगाते हैं और जन्नत पक्की करते हैं, और मौज मस्ती बीमारी अपनी जगह पर, और जन्नत ये वाला दीन ज़्यादा अच्छा। वो क्यों फरिश्ता क्या कहेगा? मालिक यकीनन हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर, यानी तुम इंसानों में से अक्सर हक से कराहत रखते थे। कराहत अक्सर अकुम लिल हक की कारिहून, कराहत वही नापसंद चीज। और ये आयत सुने, आयत नंबर 79, क्या उन्होंने काम पक्का किया या हम पक्का करने वाले? ये पक्का काम जो तर्जमा है ना ये चलता है, मतलब कोई खराबी करनी है, कोई बड़ा, कोई रिश्वत लेनी है, कोई बड़ा वो प्लानिंग करके कहते हैं ना पक्का काम किया है, कोई बीच में कोई जगह तो नहीं रह गई कि हमारे अंदर, वो कहते हैं नहीं ऐसा काम किया कि कल तक तू सेठ होगा, आज और कल तेरा बहुत फर्क, पक्का काम किया। तो जहन्नमियों से कहा जाएगा तुमने पक्का काम किया या अल्लाह का काम पक्का था? अब बताओ, हुज़ूर कहते थे ना हम तो ऐसा काम करते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं, हमें कोई पकड़ता ही नहीं, तो इन्होंने पक्का काम किया या हम पक्के काम, हमारा काम पक्का है, हम कामों को पक्का करते हैं। जैसे अल्लाह कहते हैं ना ज़रनी वमन युकद्दिबु बिहादल हदीस, ए रसूल जो इस कुरान को झुठला रहा है उसको और मुझे अकेला छोड़ दे, उससे बात मत कर, वो तेरा काम नहीं है वो मेरा काम है, दरनी मुझे छोड़ दे, व मैं युकद्दिबु बिहादल हदीस जो इस कुरान को
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, मैं इन पक्की चालों चलने वालों को, प्लानर्स को ऐसा पकड़ूंगा इन्हें पता भी नहीं चलेगा. وَأُمْلِي لَهُمْ, मैं इनकी रस्सी ढीली कर रहा हूं, मोहलत दे रहा हूं. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, मेरी चाल मजबूत है. इनको चाल वो मजबूत होती है जिसका पता ही नहीं चले मेरे साथ हो रहा क्या है, और जिसके साथ चाल चली जा रही है मसलन वो समझ रहा हो कि मैं चाल चल रहा हूं, मैं सबको उल्लू बनाया हुआ, मैंने मुसलमानों को भी फिट रखा हुआ है और दूसरी अपनी खराबी लिंक्स को भी वो भी फिट रखा हुआ है, मैं हर तरफ से पूरा हूं और उसे घेरा जा रहा हूं असल, ठीक है ना. ये ऐसा ही है जैसे कोई बड़ा मुजरिम करप्शन करता जा रहा है, करप्शन कर, उसे पता ही नहीं है कि मसलन इंटेलिजेंस एजेंसी मिसाल के तौर पर मेरी फाइल बना रही है और वो मेरी मसलन कॉलें भी सुनती हैं, वो मेरा सारा कुछ चेक कर रहे हैं, उसे पता ही ना, और वो समझ रहा है मैं माल बना रहा हूँ, अचानक पकड़ा जाए मसलन, तो तब उसे पता चलता है कि मेरा काम पक्का नहीं था, जिन्होंने पकड़ा उनका काम पक्का था और मुझे तो पता ही नहीं चला. तो बहुत सारों की ये हालत क्यामत के दिन होगी, क्या उन्होंने पक्का काम किया या हम कामों को पक्का करने वाले. صدق الله العلي العظيم.